राम राम भाई सारा ने। एक बार फिर से मंजीत एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हरियाणा की प्रमुख खबरें लेके 14 नवंबर 2024 की। चलो अब शुरुआत करते हैं। क्या विज की हत्या की हो रही है साजिश? हुड्डा ने ली चुटकी, बोले मेरे पास समाधान। हरियाणा के 9 शहरों की हवा जहरीली, देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर भिवानी, AQI 375। दिल्ली से झज्जर के बीच 20 साल बाद चलेगी DTC की बस, मिलेगी सुविधाएं। CM बोले राज्य में आज से ही नौकरियों में अनुसूचित जाति में वर्गीकरण का फैसला लागू। उच्चतर शिक्षा विभाग की लापरवाही, हरियाणा के 56% कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं पदोन्नति, भर्ती दोनों अटकी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नई साल पर जींद से सोनीपत दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, वंदे भारत की तरह दिखेगी। एक दूसरे के हुए हॉकी खिलाड़ी, PN आकाशदीप और मोनिका की हुई सगाई, 15 नवंबर को मोहाली के इस रिजोर्ट में शादी। नकली बीज कीटनाशक के खिलाफ कड़ा कानून, हाईवे पर हर 60 किलोमीटर पर होगा ट्रामा सेंटर। हाईकोर्ट ने पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जारी किया नोटिस, औद्योगिक भूखंडों के आवंटन का मामला। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के नए भवन बनने का रास्ता साफ, NGT ने दी मंजूरी। MCD के मेयर व डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव आज, आपका पलड़ा भारी, भाजपा का दावा भी बरकरार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से शुरू, प्रगति मैदान की ओर जाने से बचे, आम लोगों का प्रवेश 19 से। T20 में भारत के सबसे सफल तेज गेंदबाज बने असरदीप, तीसरे मैच में दिलाई रोमांचक जीत, तिलक भी चमके। अफ्रीका के लिए मुसीबत बने तिलक वर्मा, T20 में भारत के लिए शतक बनाने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 11 रन से हराया, असरदीप को मिले 3 विकेट। तो ये थी कुछ प्रमुख खबरें जो हम आपके लिए लेके आए थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।